नमस्कार दोस्तों, इन्फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आर ओ ए आर ओ की तैयारी के लिए डेली बेसिस पर हिंदी को तैयार कर रहे हैं, जो कि आपके प्री और मेंस परीक्षा दोनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में कई सारे वीडियोज आपके पहले से आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ती हैं। तो सबसे पहले चलिए, जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, उस पर आते हैं कि आज की जो ऐसे कोटेशन आप लोगों को याद रखनी है वो क्या है। तो देखिए, ये है कि जलजला आया और आकर हो गया रुखसत मगर, जलजला आया और आकर हो गया रुखसत मगर, वक्त के रुख पर तबाही की इबारत लिख गया। अब देखिए, ये एक ऐसा कोटेशन है, ये विश्वास मानिए आपको जल्दी जो है, मतलब ये कॉमन कोटेशन है, ऐसा कुछ नया नहीं है। परंतु इसमें नया ये है कि आप कहीं पे भी भूकंप या जो बाढ़ या ऐसी कोई भी स्थिति होती है, प्राकृतिक आपदाओं वाली जो भी स्थिति होती है, उन पर जहां पर भी आप निबंध देखेंगे, जनरली आप उसमें कोई कोटेशन नहीं पाएंगे, क्योंकि भूकंप पे एग्जैक्टली फिट बैठने वाली कोई कोटेशंस होती नहीं है। परंतु उसमें भी हम लोग इस कोटेशन को एकदम धड़ल्ले से यूज कर सकते हैं। तो आप ये वाला जरूर से याद रखेंगे, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं पर निबंध हर बार आता है, पक्का आता है, क्योंकि उसका एक सेपरेट टॉपिक है जो आपका सेक्शन 3 रहता है उसमें। और दूसरी बात कि इस पर बाकी लोग कोटेशंस लिखने की स्थिति में नहीं रहते हैं, जबकि मैं आपको ऐसे डेली बेसिस पर जो हम लोग करा रहे हैं उसमें मैं आपको जो हमारा निबंध जो कोटेशंस हैं, ये मैं आपको प्राकृतिक आपदाओं के लिए ही करीब 8 से 10 ऐसे कोटेशंस दे दूंगा। तो चलिए, आइए इसका मतलब समझते हैं कि जलजला आया और आकर हो गया रुखसत मगर। जलजला मतलब कि आपका जो भूकंप, तबाही या भूचाल, इसको कह सकते हैं, सैलाब कह सकते हैं। तो ये सब जब भी आता है तो वक्त के रूप पर तबाही की, मतलब बहुत ज्यादा ये तबाही मचा देता है, ठीक है। तो यानी कि आप जब मान लीजिए प्राकृतिक, आप जैसे मान लीजिए कि कहीं पे बाढ़ आई, जैसे केरल में बाढ़ आई थी, तो केरल में बाढ़ आई थी तो आप ये मान के चलिए कि बाढ़ वहां पर तो आई, साथ में आपके पेपर में भी आएगी, पेपर में आपको केरल में बाढ़ का टॉपिक मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर में जब बाढ़ आई थी उस पर टॉपिक पूछ लिया गया था, ठीक है। या फिर भूकंप जब भी आता है, अगर बड़ा भूकंप है जिसमें ज्यादा जानमाल की हानि हुई है, तो उसमें वो स्वाभाविक है कि वो आपके पेपर में आपको वो देखने मिलेगा। तो वैसे आपको जो है प्राकृतिक आपदाओं पर जब भी आप लिखें तो आप वहां पर इस तरह की कोटेशंस का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा हानि होती है तो उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ रिसेंट में नहीं भी आया हुआ होता है, तो भी वो लोग अगर प्राकृतिक आपदाओं पर पूछते हैं तो आप उसमें एक लाइन ऐसे तो आपको लिखना ही रहेगा, प्राकृतिक आपदाओं से बहुत ज्यादा जानमाल की हानि होती है, तो वहां पर आप जो है ये कोटेशन भी डाल सकते हैं कि पूरा एकदम मतलब तबाही हो जाती है, तबाही का मंजर चारों तरफ रहता है। चलिए, अगला जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं कि शुद्ध अशुद्ध। आज के दिन जो हमें पढ़ना है वो है, सबसे पहले तो धोबिनी। धोबिनी देखिए, धोबी से, धोबी का स्त्रीलिंग जो है वो धोबिनी बनाने की कोशिश की गई, जो कि पूर्णतः गलत है। धोबी का धोबिन हो जाता है, धोबिनी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, धोबी का धोबिन हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से श्रृंगार, ठीक है, एक वर्ड है श्रृंगार, है लड़कियां ज्यादा अच्छे से इससे अवगत होंगी, लेकिन उसकी स्पेलिंग से भी अवगत होना उनको जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार में देखिए ज्यादातर लोग इसको जब लिखते हैं तो वो श्र तो लिख देते हैं, उसके बाद उसके नीचे री की मात्रा भी लगा देते हैं, वो गलत है। श्रेय आपको जब ये लिखना है तो यहाँ पर आप एक ही मात्रा लगाइए, दो दो मात्रा थोड़ी ना लगा देंगे। तो ये श्र में जो ये वाली मात्रा है वो आप यहाँ से हटा करके केवल ये वाली मात्रा लगाएंगे। कई कई बार पूछा गया है ये, मैं बता भी नहीं सकता हूँ, लगभग आप ये मान के चलिए कि 12 से 15 बार ये वर्ड पूछा गया है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, तो इसलिए आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए निरोग, तो देखिए रोग से, रोग का उल्टा निरोग बन गया। अब निरोग में जो हम लोग बोलते हैं वो निरोग ही बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा है वही बोलते हैं, परंतु ये निरोग ना होकर के नीरोग है, ठीक है, निरोग ना होकर के नीरोग है और वो हम लोग बोलते नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको 3 वर्ड जो आज याद रखने हैं वो है, पहला नीरोग, दूसरा श्रृंगार और तीसरा धोबिन, ठीक है, ये आपके सही वर्ड्स हैं। उसके बाद आते हैं कि तद्भव तत्सम, आज जो हमें देखना है वो है नीम। नीम का जो है तत्सम होता है निम्ब, आज हम लोग सब कंफ्यूजिंग वाले ही लिए हैं, तो नीम का जो तत्सम होता है वो होता है निम्ब, जबकि नींबू, ये नीम से मिलता जुलता नींबू हो गया, नींबू का हो जाता है निम्बुक। तो इसमें देखिए निम्बुक याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, नींबू से निम्बुक हो गया और निम्ब से नीम हो गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए कैथा, कैथा से ये कपित हो जाता है, ये भी पीसीएस की परीक्षा में शायद ये पूछा गया है,
ये आरओ में पूछा, आरओ की मेंस की, ठीक ठीक आरओ की ये मेंस की परीक्षा में पूछा गया 2017 वाले में शायद, तो 2017 मेंस में पूछा गया कैथा जो है वो कपित हो जाता है उसका, और ये ज्यादातर लोग नहीं कर के आ पाए थे क्योंकि ये कई सारी किताबों में इसका नहीं मिला था। ठीक है, इसको ऊपर कर दें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं। तो आज के जो हमें शब्द पढ़ने हैं उनमें देखिए सबसे पहला है कि तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, यानी कि ऐसी जो सूझबूझ, ऐसा जो ज्ञान वो जो तुरंत उत्पन्न होता है, मतलब आपसे कोई बात बोले और आप तुरंत उसको रिप्लाई कर सकें, उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति मतलब प्रति उत्पन्न मति, मति मतलब होता है बुद्धि, प्रति उत्पन्न मतलब तुरंत उत्पन्न हो जाए, तो प्रत्युत्पन्न मति मतलब तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ या बुद्धि, उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्न मति। ठीक है, उसके बाद देखिए जान से मारने की इच्छा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछा जा चुका है जान से मारने की इच्छा, थोड़ा सा कठिन भी है क्योंकि ये मिलता जुलता नहीं है, यहाँ पर तो आप मति वती से कुछ बैठा लेंगे पर यहाँ पर नहीं बैठा पाएंगे। जान से मारने की इच्छा बोलते हैं जिघांसा, जिघांसा जान से मारने की इच्छा जिघांसा। इसी प्रकार से किसी पर विजय पाने की इच्छा, ये इससे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में लिखवा दिया है। तो देखिए जान से मारने की इच्छा होता है जिघांसा और किसी पर विजय पाने की इच्छा होती है जिगीसा। तो जिगीसा किसी पर विजय पाने की इच्छा, और जो किसी पर विजय पाने का इच्छुक हो तो उससे बोलते हैं जिगीषु। तो देखिए आप लोगों को इसमें याद रखना है जिगीसा और जिघांसा में मिलता जुलता है, इसलिए आप लोग इसके कंफ्यूजन से बचिएगा। और अगला देखते हैं हम लोग शब्द और विलोम में, विलोम शब्द जो हमारा है उसमें देखिए सबसे पहला है दाता, दाता का ऑपोजिट जो होता है वो सूम होता है। ठीक है, दाता का उल्टा हो जाएगा सूम, भोक्ता, भोक्ता का उल्टा भुक्त हो जाएगा, भोक्ता का मतलब काटता नहीं होगा, भोक्ता का उल्टा काटता, भोक्ता मतलब भोगने वाला और भुक्त मतलब जो भुगत चुका हो, तो वो जो आपका भोक्ता का उल्टा हो जाएगा भुक्त, और मनस्वी का उल्टा हो जाएगा प्रमादी। ठीक है, मनस्वी का उल्टा प्रमादी, भोक्ता का भुक्त और दाता का सूम। ठीक है, आज याद रखना है आप लोगों को दाता का सूम, भोक्ता का भुक्त और मनस्वी का प्रमादी। ठीक है, डेली बेसिस पे आप लोग अगर ऐसा करते हुए चलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। आप जैसे अभी शाम को ये वीडियो आया, आपने ये वीडियो देखा, इसको अच्छी तरीके से एक बार समझ लिया, आप उसको मन में अपना सारी चीजें बैठा लीजिए, अगले दिन जब इसकी पीडीएफ आए तो उसको आप पीडीएफ से एक बार कर लीजिए, फिर उसके बाद एक बार उसको उसके अगले दिन और रिवाइज कर लीजिए, बस आपका काम खत्म है। उतने से आपको ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, आप उसका निबंध या जीएस या कहीं भी अन्यत्र उसको प्रयोग कर भी पाएंगे। और ऐसे जो है आप अगर केवल मतलब बुक उठा के और एक तरफ से पढ़ेंगे एक ही दिन में, आप सोचेंगे कि सारा विलोम शब्द आज ही निपटा दें, तो फिर वो निपट ही जाएगा, फिर वो उसमें फिर आपका मतलब जो याद करने वाली चीजें होती हैं, जो माइंड में रिटेन करने वाली चीजें होती हैं, वो आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो इसलिए हमने ये डेली बेसिस पर जो आपकी प्रैक्टिस कराने का ये एक अपना प्रोग्राम शुरू किया है, ये थोड़ा सा जो है मतलब मुझे आप लोगों के लिहाज से उपयोगी लगता है। अब देखिए बात करते हैं पर्यायवाची, पर्यायवाची में देखिए सीता, सीता जी का है कि उनको जानकी भी बोलते हैं, आपको पता ही है जानकी जो है मतलब बहुत कॉमन है सीता जी का नाम, जानकी से ही बन गया जनक सुता, जनक की वो बेटी थी तो जनक सुता, राजा जनक की, और जनक सुता से जनक कन्या, सुत मतलब आपको पता है कि बेटा होता है, सुता मतलब बेटी, राजा जनक की बेटी जनक सुता, और जनक सुता से जनक तनिया हो गया कि मतलब राजा जनक की तनिया, तनिया मतलब पुत्री, आपको पता ही है पर्यायवाची में, और जानकी। इसी प्रकार से देखिए वैदेही भी इनको बोलते हैं, तो वैदेही चूंकि इनका जन्म ऐसा माना जाता है पृथ्वी से हुआ था या शायद पृथ्वी में समा गई थी, ऐसा कुछ मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, परंतु ऐसा ही कुछ इनकी स्टोरी है, तो उससे एक ये वैदेही पृथ्वी से बन गया है, तो वो है आपका। उसके बाद देखिए चंदन, चंदन जो है वो आपका इसमें हमें देखना है, तो चंदन की आपको पता है खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो वैसे ही यहाँ पे भी बना है दिव्य गंध, मतलब बहुत अच्छी जिसकी सुगंध हो वो, तो दिव्य गंध हरि गंध, तो आपको पता है चंदन की अगरबत्तियां बहुत बनती हैं, तो उससे आप इसको याद कर सकते हैं कि दिव्य गंध हरि गंध, और मलय और मलयज ये दोनों देखिए एक ही से मिलते जुलते हैं, तो मलय मलय से मलयज भी बन गया, इन दोनों को भी आप याद कर लेंगे एक साथ, और इधर दिव्यगंध हरियगंध इन लोग को याद कर लेंगे, तो आपका ये चंदन का तैयार हो गया। उसके बाद देखिए दुग्ध, दुग्ध का पर्यायवाची देखिए क्षीर, आपको पता है
नीर शीर जैसे हम लोग बोलते हैं, नीर शीर विवेक का प्रयोग करना या नीर शीर न्याय करना, यानी दूध का दूध पानी का पानी करना, तो वैसे ही जो है ये दुग्ध आपका शीर का मतलब दुग्ध हो जाता है, पय पय का मतलब भी यहां पर दुग्ध होता है। देखिए पय का मतलब दूध होता है और पय का मतलब पानी भी होता है, लेकिन यहां पर ये पय का मतलब है दूध। उसके बाद देखिए पीयूष, पीयूष का मतलब भी दूध होता है, पीयूष का एक मतलब अमृत भी होता है और एक मतलब उसका दूध होता है, पय से ही पीयूष बन गया है, ये आपको याद रखना है। गोरस गाय का दूध, तो गाय के रस यानी गोरस उससे जो आपका ये भी बन गया है। तो आप देखिए पर्यायवाची आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अगले पे हम लोग चलते हैं, तो देखिए सबसे पहले मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां आपका मेंस परीक्षा में पूछा जाता है, वो बीओ हो या अपर पीसीएस हो या फिर आर ओ आर ओ, सभी में पूछा जाता है। और देखिए इसमें आपको सबसे पहला जो दिख रहा है वो है उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को मतलब कोई विपरीत कार्य करना, यानी कि जो कार्य जैसे मान लीजिए कि अब आगरा में पेठा मशहूर है और जो है आपका मथुरा में पेड़े मशहूर हैं, अब कोई मथुरा का व्यक्ति जो है वो मतलब आगरा में जाके और वहां से वो पेड़ा ले, और आगरा का व्यक्ति मथुरा से आके और पेठा ले, तो वो फिर हास्यास्पद ही कहा जाएगा, तो उसी को कहा जाता है कि ये उल्टे बांस बरेली को, ठीक है। उसके बाद देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, जो कंगन हाथ में है उसके लिए आप क्या अतिरिक्त प्रमाण पत्र आपको चाहिए, तो यानी हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो आपके सामने है उसके लिए आप क्या प्रमाण पत्र ढूंढ रहे हैं, तो वो आपका हो गया हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है। कई कई बार पूछा गया है इसलिए आप लोगों को ये याद करना बेहद जरूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जितनी भी चीजें कराई जा रही है डेली बेसिस पे, उन सभी में से आपको कोई भी नहीं छोड़ना है, आप ये मान के चलिए। आप जब बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें आप कई सारी चीजें छोड़ भी सकते हैं, परंतु यहाँ पे जो चीजें कराई जा रही है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, उनको आपको नहीं ही छोड़ना है, ये आप मान के चलिए। एक भी शब्द आपको नहीं छोड़ना है, और अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको मेरा दावा है कि उसमें 60 में से 55 से ज्यादा प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे, और बल्कि मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि 60 में 60 आए, परंतु मैं अतिरेक की गारंटी नहीं दे सकता, मैं बहुत ज्यादा ऐसे हवा हवाई बातों में नहीं रहता, कुछ एक दो प्रश्न वो आयोग हर बार ऐसा बनाता है जो कि परीक्षा आपकी बुक्स में भी नहीं मिल पाता है, तो इसलिए उसकी एक गुंजाइश छोड़ते हो। बाकी मेरी ये कोशिश रहेगी कि 56, 57, 58 प्रश्न आपके इन सभी सेशंस से आए, ठीक है, क्योंकि आप 4 से 5, 6 किताबों का ये संकलन है और आप वो सारी पढ़ चुके होंगे अगर आप हमारे इन प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं, इसको रिवाइज करते रहते हैं। अगला देखिए जो आखिरी हमारा कि गजेड़ी यार किसके दम लगा कर खिसके, मतलब गजेड़ी यार किसके दम लगा कर खिसके, यानी स्वार्थी व्यक्ति जो है वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के बाद मुंह फेर लेता है, मतलब जिसको गांजे से मतलब वो अपना गांजा उसको मिला उसके बाद वो निकल लेगा, तो यानी उस वो आपके डेली जो काम जरूरत की चीजें हों उनमें वो नहीं आएगा, वो अपना स्वार्थ पूरा करेगा और निकल लेगा, तो इससे ये बना हुआ है। और इसमें आप कहीं पे भी किसी अगर कोई स्वार्थी व्यक्ति है तो उसके सेंस में ये चीज प्रयोग हो सकती है। उसके बाद देखते हैं कि जो लास्ट है हमारा टॉपिक वो है प्रशासनिक शब्दावली। प्रशासनिक शब्दावली में अगर हम लोग बात करें तो अगेन वेरी जो कंफ्यूजिंग है उनको हम लोग यहाँ पे लिए हैं। पहला है ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है अनुदान, यानी कोई सहायता देना किसी को, तो वो ग्रांट हो गया, ग्रांट का मतलब अनुदान, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे आपको केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाती है अनुदान तो उसको ग्रांट बोल देते हैं अनुदान, ठीक है। उसी प्रकार से ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी आपको पता है कि जब भी कोई अपनी सर्विस कंप्लीट करता है जॉब की तो उसके बाद उसको ग्रेच्युटी मिलती है, उसको बोलते हैं उपदान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुदान क्या है तो ग्रांट, उपदान क्या है तो ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी मतलब उपदान, याद रखना है। और शायद ये जो है पूछा भी जा चुका है, ग्रेच्युटी तो पूछा ही गया है, ग्रांट इन एड भी पूछा जा चुका है, ठीक है, और अपने यूपी की परीक्षा में पूछा गया है। तो अब देखिए ग्रांट इन एड में देखें तो ग्रांट इन एड होता है सहायता अनुदान, ठीक है। तो ग्रांट का मतलब अनुदान और ग्रांट इन एड यानी इन एड जुड़ गया तो उसका मतलब हो गया सहायता, तो ग्रांट इन एड सहायता अनुदान, ग्रेच्युटी उपदान और ग्रांट अनुदान। तो ये रहा कि आज का हमारा सेशन, और उम्मीद है कि आप डेली बेसिस पर इसको बहुत तन्मयता के साथ बहुत गंभीरता के साथ इसको कवर कर रहे होंगे, और आपको निश्चित रूप से आप जब महीने भर इस प्रोग्राम को फॉलो कर लेंगे तो आपको इसको एक अपने खुद में आपको बदलाव का अनुभव होगा,
और जब आप फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे या कोई भी ऐसी जो हमारी फ्री टेस्ट सीरीज अभी शुरू होने वाली उसको आप ज्वाइन करेंगे, उसके प्रश्नों को सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे, तो वहां पर आप अपने अंदर के बदलाव को स्वयं महसूस कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।